आज की तारीख में हम जरा जरा सी बात पर, मैंने आज तक अशोक मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कभी मैंने गंगा स्नान नहीं किया ऋषि मुनियों की वजह से। इन्होंने कह रखा था गंगा में पाप धुलते हैं, अब कोई पाप धोकर जाए और मैं नहा लूँ उसके बाद, अब वो साले मेरे चिपट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा उसका। इस वजह से अच्छा फिजूल खर्ची भी बड़ी करते हैं नेता लोग। अभी दिल्ली में वो यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर, मैं वहीं केजरीवाल जी के बैठा हुआ था तो किसी ने सूचना दी उनके सचिव ने कि भी खबर आई है खतरे के निशान से यमुना ऊपर हो गई। परेशान से मैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, 100 रुपये का खर्चा है। बोले क्या मतलब? मैंने खतरे के निशान को 1 फुट ऊपर कर दो, नीचे आ जाएगा। 100 रुपये के लिए काय को माथा बोली करने। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मानना चाहिए अपने लोगों को। और एक बात बताता हूँ मैं साहब, एक महिला मिली यहीं चंडीगढ़ में, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी थी सोनी साहब। उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में अशांति है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है, विश्व शांति हो जाए कोई रास्ता बताना, आपकी कविताएं सुनी, आप हमें राय दीजिए। रास्ता बता दिया मैंने, कुछ मत कर, तू खुद शांत रहे बस, वर्ल्ड पीस अपने आप आ जाएगी जब तक हम दूसरे